दोस्तों इन दिनों बॉलीवुड इंडस्ट्री में चारों तरफ अगर किसी बात के लिए कोई सबसे ज्यादा चर्चाओं का हिस्सा बना हुआ है तो वो शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन खान हैं। जी हाँ, अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स केस के मामले में पकड़े गए, जिसके चलते एनसीबी वालों को जैसे ही खबर हुई तो उन्होंने तुरंत शाहरुख खान के नवाबजादे आर्यन खान को हिरासत में ले लिया। इसकी खबर मिलते ही शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान के लिए बेल की अर्जी दिए, पर कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दी, जिसकी वजह से बॉलीवुड के साथ इनके घरवाले के भी अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको आर्यन खान के घर वालों के उन्हीं रिएक्शन से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि क्या कहा है उनके घर वालों ने उनके कोर्ट में बेल ना मिलने पर। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सब बारे में तो आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, शाहरुख खान। इस लिस्ट की पहली कड़ी में किंग खान कहे जाने वाले मशहूर अभिनेता शाहरुख खान का नाम शुमार होता है, जो अपने बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले में अरेस्ट होने को लेकर काफी ज्यादा दुखी है और उन्हें बेल दिलवाने पर हर एक कोशिश कर रहे हैं, पर कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया है, जिसकी खबर सुनकर शाहरुख खान काफी ज्यादा हैरान है और अपना रिएक्शन देते हुए बोले, ये सब मेरे बेटे को फंसाने की प्लानिंग की जा रही, जिनके पास ड्रग्स मिला था उनको तो कोर्ट ने बेल दे दी, लेकिन मेरे बेटे के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों किया जा रहा है, वो सिर्फ एक बच्चा है, इसीलिए मैं मानता हूँ कि बच्चे से भूल हो सकती है, लेकिन अभी तक ये पूरी बात पूरी तरह से प्रूफ नहीं की गई है, तो फिर कोर्ट उसे बेल क्यों नहीं दे रहा है। नंबर दो, गौरी खान। अब बात करते हैं एक्टर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के बारे में, जो अपने बेटे आर्यन खान को बेल ना मिलने पर काफी ज्यादा परेशान है और कोर्ट ने उन्हें इस बार भी बेल नहीं दिया, जिसे देखकर इन्होंने मीडिया के सामने एक ऐसा रिएक्शन दिया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इन्होंने कहा कि पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, अभी तक उसने सही से खाया भी होगा या नहीं, और ना ही वो ठीक से सो पाया है, उसकी हालत भी कितनी बुरी होती जा रही है, जिसे देखकर भी मेरे बच्चे को ये कठोर लोग बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहे हैं, अल्लाह मेरे बच्चे को माफ कर दो, क्योंकि वो निर्दोष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, ये सब सिर्फ उसे फंसाने की साजिश की गई है और कुछ नहीं। नंबर थ्री, सुहाना खान। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में एक्टर शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान का नाम शुमार होता है, जो अपने भाई आर्यन खान को बेल ना मिलने को देखकर काफी ज्यादा हैरान है, और 8 अक्टूबर को भी जब कोर्ट ने उनके बेल को नामंजूर कर दिया तो उसे देखकर ये काफी ज्यादा दुखी है, और सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने भी एक ऐसा रिएक्शन दिया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, सुहाना खान ने कहा, तुम सब लोग मेरे भाई को क्यों नहीं छोड़ रहे हो, वो बेकसूर है और उसने कुछ नहीं किया है, जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा भी कितने परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ना तो वो कुछ खा रहा है और ना ही वो कुछ पी रहा है, उनकी हालत भी कितनी ज्यादा बेकार होती जा रही है, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। तो दोस्तों, आप शाहरुख खान, गौरी खान और सुहाना खान के इस रिएक्शन को सुनकर क्या कहना चाहोगे, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड